बनता है से कर्म एक सामान्य शब्द हुआ, तो कर्म बनता है क्या होता है, तो उसकी प्रकृति बनती है। प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति हमें ये गर्म मिजाज का है, गर्म प्रकृति का है, गर्म स्वभाव वाला है, तो प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। जैसे हम आठ कर्मों के नाम बाद में देखेंगे, ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह, हर एक का अपना अपना जुदा जुदा स्वभाव है। तो ये जो मूल आठ कर्म है, आठ भेद है, उसको कहेंगे ये मूल प्रकृतियाँ। और वो भेदों के जो भेद बताएंगे, पेटा भेद बताएंगे आपको, तो उसको हम कहेंगे उत्तर प्रकृतियाँ। तो ये जो कर्म की जो प्रकृतियाँ हैं, कौन से कर्म की प्रकृति बनती है, उसको कहेंगे प्रकृति बनी। यानी हर समय जीव जो कर्म बांधता है, तो वो कर्म का ये इन प्रकृतियों में डिवीजन होता है, विभाजन हो जाता है, उसको कहेंगे प्रकृति बनी। उसमें कितने नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं, उसको कहेंगे प्रदेश बन। अब जो बंधे हैं, उसमें कितने समय तक ये कर्म जीव की सत्ता में पड़े रहेंगे, उसको कहेंगे स्थिति बन। और जब उदय में आएंगे तो किस रूप से फल देंगे, कितनी इंटेंसिटी में बंधे हैं, तो उसको कहेंगे उसका अनुभव। तो ये कर्म बंधे के चार भेद हैं, हम आपको जरा पुस्तक में से बताना चाहते हैं। देखो आप गुजराती पुस्तक है आपके पास, वो निकाल नहीं है आप तो। पेज नंबर दो, देखो यहां से तीसरा पैराग्राफ। सैली भाषा में केवु हो मिला सबको, तो कारमाण वर्गना नामना पुद्गल स्कंदती बनेदू ते द्रव्य कर्म छे। ये कारमाण वर्गना उसके रॉ मटेरियल है, वो कर्म रूप परिणमित होते हैं, उसमें जीव के भाव वहाँ निमित्त रूप से पाए जाते हैं। जीवना मोहराग द्वेष परिणाम ते भाव कर्म छे, अने शरीर मन वाणी वगैरह जीवोना नो कर्म छे। हवे अपने कर्मनो उल्लेख करीशु त्यारे द्रव्य कर्म विषय की आ चर्चा छे हमारे समझी लेंगे। अब इस पुस्तक में जब कर्म की बात है, सब द्रव्य कर्म है, जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म है, उसी को यहाँ हम बताने वाले, बाकी नौ कर्म और भाव कर्म की चर्चा यहाँ नहीं होगी। आपने जो भी स्थिति ऐसा कहा, तो कर्म बनता है उसके बाद जब तक वो सत्ता में रहता है तब तक स्थिति कहलाएगी, या फिर वो उदय में आकर के खिर जाएगा तब तक की स्थिति कहलाएगी? हाँ, आपका प्रश्न है स्थिति किसको कहना। देखो जब जिस समय बंधा था उस समय कितनी स्थिति बन गई, उसको हम कहते स्थिति बंध। अब स्थिति बंधने के बाद सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घट भी सकती है। जैसे समय दर्शन हुआ तो सत्कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी हो गई। पहले ज्ञानावरण की मान लेते 30 कोड़ा कोड़ी की बांधी हो, किसी ने मिथ्या तो का 70 कोड़ा कोड़ी बन दिया, तो वो सत्ता की जो स्थिति होगी जितनी जिसकी है उसको कहेंगे सत्ता की स्थिति। और उदय की स्थिति कितनी होती है? एक समय की, निषेक उदय में आता है तो उदय रूप स्थिति एक समय की होती है। ये जो अभी हमने चार प्रकार बताए ना बंध के, कौन से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभव। ये बंध के चार, बंध के समय उसकी कितनी थी उसकी पोजिशन है। जब सत्ता की गिनाएंगे हम, तो सत्ता में कितनी प्रकृतियाँ है, सत्ता में कितने प्रदेश यानी परमाणु है, सत्ता की स्थिति क्या है और सत्ता में अनुभव क्या पड़ा है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि कर्म बंधने के बाद उसी रूप से कभी नहीं रहते हैं, हमारे हर समय के परिणाम के अनुसार बंधे हुए सत्ता में पड़े हुए कर्मों में बहुत बड़ी उथल पुथल होती है। क्योंकि ये जो सारा जो मार्ग है वो तत्व विचार में, तत्व निर्णय में होने वाला है, समय दर्शन का भी। नहीं तो कर्म जैसा बंधा है वैसा ही उदय में आता रहे तो हमें कोई चांस ही नहीं था। तत्व विचार में ही कर्मों में बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाती है, और बिल्कुल ये इतना साइंटिफिक है कि वो कैसे, वो उसमें क्या क्या बातें होती है, किस तरह से जीव को समय दर्शन होता है, वो पंचलब्धि पुस्तक में लिया है बहुत विस्तार से। हाँ, लब्धि के आधार से अभी तो हमें वो टर्मिनोलॉजी पहले सीखनी है। एक कर्म होता है जैसे आयुष्य कर्म है, तो थोड़े थोड़े निषेक जाते हैं ना उसके, थोड़े थोड़े तो वो जो पूरा आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा तब उसको कहेंगे कि ये इसकी स्थिति इतनी थी। देखो आयु के जो नियम है वो अलग है, अन्य कर्मों में अलग है, वो बात हम देखेंगे। उसके बंध के नियम भी अलग है, उसकी स्थिति भी अलग है, क्योंकि आयु क्या है, हम एक भोग के लिए बांधते हैं, और अन्य कर्म भवन
भी समझे, जैसे पैसा कितना कमाते हैं, सात पीढ़ी बैठ कर खाएंगे इतना, इस भाव के लिए काफी है तो हम पूरा कर देंगे, स्वाध्याय में चले जाएंगे। वैसा आप लोगों ने किया, ऐसा थोड़ी लोग करते हैं सर। हम तो चाहते नहीं है हमारे बाल बच्चे भी सुखी हो, हमने तो ऐसे गरीबी देखी है, हमारे बाल बच्चों को कोई दुख नहीं होने चाहिए। तो आपके पैसों के कारण सुख से रहेंगे कि अपने स्वयं के, हमारी भाषा कर्म की भाषा में बताएंगे, उन्होंने आपके घर में क्यों जन्म लिया, पुण्यशाली होंगे इसलिए लिया है ना, कि उनको रेडीमेड इतना संपत्ति मिल गई, क्यों? हम क्या समझते, हमने उनको इतना कमा के दिया, कोई किसी को कुछ नहीं देता, ख्याल में आती है बात? तो अभी हम देख रहे थे, ये पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं ना, दो नंबर, ये पहले हमने देखा था, फिर भी यहाँ से पढ़ते, जीवन है कर्म अनादि तीज, एक बीजा साथे बंधायेली अवस्था में जोवामां आवे छे, એટલે કે જીવને કર્મનો બંધ અનાદિથી છે, આ બંધ કોઈએ જબરદસ્તીથી કરાવ્યો નથી, જીવ પ્રથમ સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ હતો અને કર્મ આવી આવીને તેની સાથે બંધાઈ ગયા એમ પણ નથી, ખાણમાં સુવર્ણ પાષાણ મળી આવે છે ત્યાં સોનું અને માટીનું મિશ્રણ કોઈએ કર્યું નથી, તેમની સંયુક્ત અવસ્થા અનાદિથી જોવામાં આવે છે, તેમ જીવ પણ અનાદિથી કર્મ બંધન યુક્ત છે। यहाँ केवल कर्मों की बात चल रही है, अब वो कैसे कैसे कर्मों के उदय में कैसे कैसे अन्य में पर्याय मिलते, कभी मनुष्य होता है, कभी देव नारद वगैरह होता है, उसकी तो अपने उदय की चर्चा यहाँ नहीं है, कुछ बंधों की चर्चा हम करेंगे आगे फिर बढ़ेंगे। यहाँ तो ये इतना ही देखना है कि बंध के कौन से चार प्रकार हैं और किसको क्या कहना, और इसमें जो कुछ अन्य बातें बनती वो क्रम से हम देखेंगे, क्योंकि हमें उसके जो पारिभाषिक शब्द है वो मालूम नहीं होंगे तो आगे उसको जो समझाना चाहते हैं वो बात समझ में नहीं आएगी। ये नया विषय है, पहली बार सुनते हैं, कुछ अर्थ या कुछ वो जो शब्द दिमाग से चले जाते हैं, तो आपको अगर कोई याद नहीं आता तो ये आपकी जिम्मेदारी कि ये फिर से रिपीट करो, इसका क्या अर्थ है, क्योंकि हम आगे चलकर बताएंगे ये निषेध किसको कहना, स्पर्धक किसको कहना वगैरह वगैरह, थोड़ी बातें हम देखेंगे आपके यहाँ। तो अभी तो हम बंध के चार प्रकार देखने जा रहे हैं। देखो, प्रत्येक जीव साथे अनंत कर्म परमाणुनो बंध थयेलो छे, तेमा जीव एक छे। देखो, जीव एक छे ने अभी विचार कैसे करना, यहाँ पर मैं एक हूँ, ते असंख्यात प्रदेशी, कितने असंख्यात है प्रदेश जीव के, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, परंतु अभी कितने प्रमाण है, देखो लोकाकाश तो इतना बड़ा है, और जीव के जो प्रदेश है वो प्रदेश कभी हीन अधिक नहीं होते, प्रदेशों की संख्या उतनी की उतनी रहते हुए वो सब संकोच एक दूसरे में ऐसे सिमट कर अभी इतने देह प्रमाण रहे, देह प्रमाण हुए कहने की बात है, क्योंकि हम पहले भव से मरकर यहाँ आए थे तो देह कोई था नहीं, तो जीव का अपना कुछ जो आकार बना उस आकार में शरीर की रचना हुई है, जीव ने शरीर के परमाणु को, औदारिक शरीर के परमाणु को लेकर डिपोजिट किया और शरीर बन गया। कितने डॉक्टर हाजिर थे वहां पर? हाँ बेट बोलना, जब जीव कहीं से आया और यहाँ उसने, वो सब हम देखेंगे पर्याप्ति के प्रक्रम में, उसकी पर्याप्ति नाम की उसकी अपनी शक्तियाँ डेवलप हुई और उसके कारण परमाणु को लिया और उसको परमाणु को उसने सारे ऑर्गन रूप डेवलप किया, तो कितने डॉक्टर आए हार्ट बनाने के लिए, लीवर बनाने के लिए, किडनी बनाने के लिए, सब वो सब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और नर्वस सिस्टम और ब्रेन सब बनाए, कोई नहीं। और थोड़ा हम बीमार होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो कुछ कुछ रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा समझना जो रिप्लेस हो सकता है वो मैं नहीं हूँ। अभी देखो सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, स्किन रिप्लेसमेंट होती है, ब्लड रिप्लेसमेंट होता है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, किडनी रिप्लेसमेंट होती है, ब्रेन हो गया यहाँ तो ये सारा पुद्गल है, मैं उस रूप नहीं है नक्की करना। अब कौन से डॉक्टर के पास जाकर आयु कितनी बढ़ा सकते वो भी हम देखने वाले, वो हम साइंस के द्वारा देखेंगे और आगम के द्वारा देखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं देखने वाले, क्योंकि हमने अपने को ये शरीर रूप इतना ही मान के हम चल रहे हैं
और उतना ही बस अपने को समझ कर रखेंगे, यह हमारी भूल है। और वो कर्म सिद्धांत को हमें इसीलिए देखना है कि हम उससे भिन्न कैसे है, हम इसके आधार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल भेद ज्ञान करके आपको ख्याल में आ जाएगा, देखो ये तो मैं जुदा हूँ और ये कर्म तो जुदे, ये शरीर तो जुदा है, यहाँ क्या देखते हैं। तो ये असंख्यात प्रदेशी अरूपी संकोच विस्तार में शक्ति युक्त। अभी तो संसार दशा में संकोच विस्तार होता है, क्योंकि कोई चीटी मरकर हाथी में जन्म लेती तो उसका विस्तार हो जाता है, कोच होता है। चैतन्यमय छे, ये किसका वर्णन पढ़ा हमने, मुझे दुखी किया, ये बात कहां से आई। आवा कर्मपिंड माथी हर समय थोड़ा परमाणु विकुटा पड़ी निकली जाए छे, अने थोड़ा नवा परमाणु आवी तेमा बढ़ी जाए छे। परमाणु आवीने बढ़ी जाए, हाँ बढ़ी जाए तेने बंद कहवाय छे, अने परमाणु विकुटा पड़े छे तेने उदय कहेवामां आवे छे। कर्मनो बंद थाय त्यारे निश्चित थाय छे के ते केटलो समय जीवनी साथ रहेशे, अने स्थिति कहेवामां आवे छे। अने स्थिति पूरी थता कर्म निकली जाय छे एटले के खरे छे, तेने उदय कहेवाय छे। कर्मनो उदय थाय एटले के कर्म स्थिति पूरी थया पछी खरी पड़े छे, त्यारे जीवने ते कर्मनुं फल मळ्युं एम कहेवाय छे। तेने ते कर्मनो अनुभाग अथवा रस कहेवामां आवे छे। स्थिति अनुसार अनुभाग पण कर्म बंधाता समये ज निश्चित थाय छे। तमे पूछो कि आ स्थिति अने अनुभाग कोण नक्की करे छे, हमें तो प्रश्न है ना। कर्म का बंध होता है तो उसमें प्रकृति बंधी, प्रदेश बंधे, स्थिति बंधी और अनुभव बंधा, तो कौन सी प्रकृतियां बंधी कौन नक्की करता है, कितने नंबर ऑफ परमाणु बंधे कौन नक्की करता है, कितनी स्थिति तक वो कर्म रहेगा ये कौन नक्की करता है, और उसका फल कितना मिलेगा ये कौन नक्की करता है। वहां तो कोई हिसाब रखने वाला कोई ऐसा तो अन्य मत ही मानते हैं ना, कोई देव उसका हिसाब किताब वो कुछ है, चित्रगुप्त ऐसा कोई है कि नहीं। तो ये क्यों होता है ये हमारा प्रश्न है, आप बताएंगे। हाँ, जीव के अपने भावों के कारण। तो कितने नंबर ऑफ परमाणु बंधेंगे ये कौन नक्की करता है, वो भी अपने उसके तीव्र तीव्र बंध परिणाम जो होते हैं उसके अनुसार, योग योग से होता है। देखो देखो, परिणाम से कर्म के परमाणु नक्की ना होते, योग से, योग की तीव्रता। देखो यहाँ लिखा है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होते हैं, और स्थिति बंध और अनुभाव बंध कषाय से होते। जब कषाय कहते हैं तो केवल राग द्वेष नहीं है ना, जो भी 25 कषाय लेने उतना ही नहीं है। कषाय से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कषाय तक जो सारे जी बातें हैं वो सब कषाय में गर्भित है। नहीं तो अकेले कषाय से स्थिति बंध होता है, मिथ्या तो कुछ कार्यकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। योग किस प्रकार से, किस अपेक्षा से कषाय में, योग कषाय नहीं है, योग कषाय नहीं है, कषाय को छोड़ा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय मिलकर सबको कषाय कहा, और इनके कारण, ये चारों के कारण स्थिति और अनुभव बनता है, क्योंकि वो अंत से दिखो नहीं, कषाय अंत में जाता है उसमें से, इसलिए उसका नाम लिया है। और योग को अलग रखना, योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। तो अभी अपना समय होने को आया है तो मैं कहती हूँ ये तो उसमें निमित्त रूप से देखेंगे, कषाय में निमित्त कौन है, उसको भाव योग ऐसा कहा। तो यहाँ बात यह है कि प्रकृति और प्रदेश वो योग से निर्णय होता है, ऐसा तो कषाय के बिना केवल योग से प्रकृति डेवलप होती कि नहीं होती। तो कषाय बिना कौन से गुणस्थान है आप कहेंगे, इनका प्रश्न तो आप सबने सुना। तो कषाय बिना कौन से गुणस्थान है, जहाँ एक 13वां गुणस्थान है, 14वां गुणस्थान, 11वां, 12वां, जहाँ कषाय नहीं है और योग है, उसका अर्थ वहाँ स्थिति और अनुभव का बंध नहीं है, केवल प्रकृति बनती है। अब ये जिसका अभ्यास है ना, कौन से गुणस्थान में कौन से प्रकृतियां बंधना रुकती है, वहाँ एकमात्र सातावेग में प्रकृति बंध रही है,
और उसमें स्थिति नहीं पड़ती, उसका अर्थ क्या है? एक समय में बंदी दूसरे समय में इट इज नो मोर, तो उसके हम कहेंगे इरियापथ आश्रय, इरियापथ बंद करते हैं। तो यहाँ प्रश्न ऐसा है, थोड़ा सा सूक्ष्म प्रश्न है कि प्रकृति मतलब वो जो कर्म वर्गणा है, जो कर्म रूप होने योग्य, उसमें अभी तो जब केवल कर्म वर्गण रूप है तब तक तो उसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभागीय चारों नहीं है, अभी ब्लैंक कर्म वर्गण है, उसमें प्रकृति स्थिति अनुभाग ये चारों में से कुछ भी नहीं है अभी। हाँ, तो कौन सी वर्गणा किस रूप और प्रकृति रूप होती है, वो वर्गणा ही डिफरेंट है। हाँ, तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, प्रमाद नहीं है और कषाय नहीं, ये चारों नहीं है, तो क्या योग अकेले में ऐसी शक्ति है क्या कि वो कर्म वर्गणा को ज्ञानावरण आदि रूप कर सकती है? ज्ञानावरण बनती नहीं वहां पर, सिर्फ सातावेद, केवल सातावेद नहीं बनती, अकेली सातावेद नहीं बनती, क्योंकि ये ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें में एक समय के लिए सातावेद एक ही पूरा समय प्रबद्ध एक प्रकृति रूप होता है, अनंत परमाणु केवल सातावेद रूप से वहाँ आते हैं, वो उसी समय आगे चले जाते हैं, रुकते नहीं है, स्थिति नहीं बनती है। अभी ये जो उसमें क्या क्या होता है, सत्ता में पड़े हुए में क्या परिवर्तन, वो सब अलग बात है। तो छद्मस्त के जो ज्ञानावरण आदि नक्की करता है वो योग करता है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वहाँ शुभ योग और अशुभ योग कहा जाता है, मिश्र योग भी एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, देखो तो उसमें ये योग निमित्त है, यहाँ वो जीव के शुभ भावों के साथ वो है ना, वो अकेला तो योग नहीं है वहाँ पर, परंतु वो उससे वो प्रकृति यानी जो कौन सी वर्गणा किसमें परिणमित हो जाए, वो गुणस्थानों के अनुसार उसका सारा क्रम है, कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियाँ बन सकती है वहाँ, क्योंकि वो एक साथ है ना दोनों। अभी योग क्यों होता है और ये कषाय क्यों होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, हाँ करेंगे दोपहर में और विस्तार करेंगे। हाँ थोड़ा सा, हाँ देखो ये अभी तो अपना समय हो गया है, तो इसकी चर्चा दोपहर में और हम आगे चलाएंगे, क्योंकि ये सारे शब्द हमारे लिए आपके लिए नए है, उसको बारम्बार सुने बिना अभ्यास किए बिना उसका सही अर्थ हमको भाषित नहीं होता, और आप ऐसा नहीं समझना बाकी लोग बहुत समझते हैं हमको कुछ नहीं समझते, ये तो हम सब समझकर आगे बढ़ेंगे, आपको कोई बात नहीं समझ में आती है ये नए लोगों की जिम्मेदारी है, ये सामने बैठे उनको ज़्यादा अभ्यास है ऐसा नहीं समझना, हम सब यहाँ समझते हुए आगे बढ़ेंगे, अभी यही रुकेंगे। बोलो चौबीसो भगवान। ओम।